प्रभास रिटर्न वापसी दोस्तों, बाहुबली अमरेंद्र बाहुबली दोस्तों, ये जो है सबके कानों में गूंजता रहा और कई सालों तक दोस्तों बॉलीवुड में भी खलबली मची रही, लेकिन कोई उसे रोक नहीं पाया। फर्स्ट पार्ट ने जो आग लगाया, सेकेंड पार्ट में जाके तभी भी नहीं बुझा, लेकिन दोस्तों अब जो है उसे जो है तहस नहस करने के लिए बॉलीवुड के डायरेक्टर लोग कई उन्होंने चीज़ें तैयार की, लेकिन अब जो है उसको जो है मतलब है दोस्तों, अब जो है बॉलीवुड क्रेजी में ऑटो वाले अंकल चैनल पे आपको मेरे एक्सपर्ट से मिला रहा हूँ, सूर्या सर। हाँ शुक्र, कैसे आप? बट ठीक है सर, और जो भी है सर, ऑटो वाले अंकल चैनल में आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया सर। सर आपको मालूम है प्रभास बाहुबली और जो कि बहुत ज़बरदस्त जो है उनका जो लुक आया हुआ है, और लुक ये है कि 6 तारीख को जो है टीजर आने वाला है, सर आपका क्या कहना है और कितने आप एक्साइटेडमेंट है सर? पहले बात तो मेरे को बिल्कुल यकीन नहीं था कि टीजर इतना जल्दी आएगा। अच्छा, लेकिन हाँ हमें क्या 2 महीने ऐसा बीता ना, मई और जून हम यूट्यूबर्स के लिए, वो चिल्लर हाँ, है ना, चिल्लर चिल्लर वाली कमाई हुई, बिल्कुल हाँ, कमाई नहीं हुई है, कुछ हाँ, नहीं आया यूट्यूब से। अच्छा, तो हम लोग का थोड़ा मैं खुद डिस्टर्ब हो गया कि भाई क्या होने वाला, कुछ मतलब नहीं है, तो मैं किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड नहीं था, मुझे कुछ आने वाला भी नहीं है। हाँ, सब भाग रहे हैं, सब जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर जा रहे हैं, ये चिल्लर जो हम लोग ने कमाया था ना चिल्लर, ये सब दिमाग में टेंशन था मेरे, लेकिन खुशी की बात ये है कि आज ओमे गॉड 2 का भी पोस्टर आया, अनाउंसमेंट हुआ, इसका भी अनाउंसमेंट हुआ टीजर का, अच्छी बात है। क्या है? गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा हो सकता है हाँ, इसके लिए। हाँ। सुनो अशोक सर, टीजर का अनाउंसमेंट ही आना बड़ी बात है। प्रभास एक ऐसा एक्टर है ना जिसने 511 करोड़ हिंदी में दिया अकेले, और अभी नहीं दिए, वो 2017 या 2018 में दिए थे, तो वो जो एक्टर है ना हम उसे कम कभी ना समझे तो बेहतर होगा। हाँ सही बोल रहे हैं। अब उसके ऊपर इतने पैसे लगे हैं, करोड़ों रुपए खर्च हुआ ना, साहो में 350 करोड़ का बजट था, उसके बाद दूसरा पिक्चर आया राधे श्याम में कुछ 400 करोड़ का बजट था, कम नहीं था, और आदिपुरुष में बोलते 600 करोड़ का बजट था, यानी कि 1200-1300 करोड़ उसके कंधे पर लगे थे जो वसूल नहीं हुए है, और 1200-1300 करोड़ कोई प्रोड्यूसर अगर लगाता है किसी एक्टर पे, कुछ तो होगी ना बात उसमें। सही बोल रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पे सलार पे एक बहुत बड़ा दाव लगा है, और मुझे लगता है ये डार्क हॉर्स है, क्योंकि फिल्म के टीजर का जो पोस्टर का टीजर जो आया वो सब काला काला ही, उम्मीद करते हैं ये जो काला घोड़ा है डार्क हॉर्स है, ये लंबी रेस तक जाएगा, और ये फिल्म बहुत बड़ा कलेक्शन करेगी और वापस से प्रभास को बाहुबली के लेवल पर लेके जाएगी, या उसके ऊपर मेरा ऐसा मानना है। मेरे को लग रहा है जहाँ तक लग रहा है KGF से कुछ जुड़ी हुई बातें हो सकती हैं सर। देखो जब आप KGF 2 देखोगे तो KGF 2 में मेरे को जहाँ तक लगता है उसमें एक लड़का है जिसे संजय दत्त शायद मारने वाला था, लेकिन शायद छोड़ देता है, या उसका क्या होता है पता ही नहीं चलता है, तो वो शायद बड़ा हो के सलाद बने कुछ बने, या कुछ कनेक्शन उसका हाँ, हो, कुछ तो है कारण तो कुछ तो है। इसके लिए सबसे पहले प्रसाद नील जो है सलार लेके आ पहले। देखो मैं आपको सीधा बता दूं, KGF को अगर खत्म होना होता ना तो KGF 2 पे खत्म हो गई होती बराबर। तो KGF 2 के बाद जब KGF 3 का अनाउंसमेंट हुआ ना, या उसी में फिल्म में पता चला, तब से अब मैं समझ गया कि ये लंबी रेस का घोड़ा है ये प्रशांत नीलमा जो डायरेक्टर है, और ये छोटा बिल्कुल नहीं सोच रहा है, क्योंकि उसको पता है KGF 1 इतना था कमाई में, KGF 2 इतना था, तो KGF 3 कितना होगा, सीधी बात है ना। तो ये बात है, और क्या लग रहा है प्रभास, क्या अब क्या बॉलीवुड डायरेक्टर लोग के साथ काम करेंगे सर? देखो मैं मेरी बात अभी खत्म नहीं, बॉलीवुड डायरेक्टर के साथ तो काम नहीं करेंगे फिलहाल, लेकिन बड़ी बात मैं आपको अशोक सर बता दूँ, प्रशांत नील बहुत बड़ा नाम हो गया है, और हुमवाली फिल्म बहुत बड़ा नाम हो गया है, इनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड अगर देख ले 4-5 साल का, तो इन्होंने सिर्फ कमाया है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग सिर्फ प्रभास को देखने नहीं जाएंगे, लोग प्रशांत नील को भी देखने जाएंगे, क्योंकि प्रशांत नील ने KGF 1 KGF 2 दी है, ये भूलना नहीं है, उसके पहले उग्रम दी है कमाल की फिल्म, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म एक ऐसी फिल्म है ना जो फ्लॉप हो ही नहीं सकती, बहुत परफेक्ट फॉर्मूला है। आदिपुरुष का भी ऐसे ही था, आदिपुरुष में VFX गड़बड़ हुआ, डायलॉग्स गड़बड़ हुए, पता नहीं कहाँ गलती हुई, क्योंकि ओम राउत ने
कुछ तो बहुत बड़ा गलती किया है जो शायद उन्हें बताना चाहिए सामने आकर। अरे सोने की लंका कोयले की लंका बनती है क्या? बोल रहा हूँ ना, VFX का खेल है पूरा। अगर नॉर्मल फिल्म भी बनाया तो भी बहुत चलता। तो आपका आपका ये लग रहा है कि सेलर से मतलब प्रभास रिटर्न वापसी करेंगे? रिटर्न वापसी करेंगे और कई रिकॉर्ड तोड़ेंगे। 6 जुलाई यानी गुरुवार को सुबह 5:12 पे टीजर आ रहा है, जिसके लिए मैं रात भर जागने का सोच रहा हूँ। मुझे पता है कि ये टीजर वाकई में जो KGF की जो क्रांति है उस लेवल की वापस लेकर आएगा, लोगों में जोश जगाएगा, और मुझे उम्मीद है कि सबके लिए अच्छा होगा और प्रभास के लिए भी। तो देख सकते हैं कि सूर्या सर ने कितना मतलब उनका अच्छा ओपिनियन रहा। बस दोस्तों मैं यही चाहूँगा कि क्रेजी हम और ऑटो वाले अंकल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। हाँ। एक और बात बोलना चाहूँगा, फिल्म आ रही है 28 सितंबर को, तो 2 महीने का बहुत अच्छा पीरियड मिलेगा लोगों को प्रमोशन का, जो अच्छी बात है। तो दोस्तों ऑटो वाले अंकल चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।